हेलो एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर वी विल सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड हाउ डिड दे शो द रेस्पॉन्सिबिलिटी? दे शो इट थ्रू द डिबेट्स, डिस्कशंस, और बाय क्वेश्चनिंग एक्सेट्रा। सो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दे हैव टू बी आंसरेबल, दे आर अकाउंटेबल। सो ऐसा नहीं कोई भी एक्शन ले लिया, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ बना दिया, एंड देन दे कांट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इतनी वाइड पावर्स नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि कुछ भी एक्शन ले दिया। जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस में आपने देखा था, जब डोनाल्ड ट्रंप की टर्म चल रही थी, उन्होंने कोई मतलब कुछ भी डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट। उन्होंने ईरान से रिश्ते खत्म करना चाहे, एक मिनट में डिसीजन ले लिया। लेकिन इन कंपैरिजन आप इंडिया में देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर कैन डू ऑल दीज थिंग्स, ही हैज़ टू बी आंसरेबल। सो इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक द बोल्ड डिसीजंस इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो द वेरी फर्स्ट मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एंड हाउ डिड दे शो द रेस्पॉन्सिबिलिटी? दे शो इट थ्रू द डिबेट्स, डिस्कशंस, क्वेश्चंस एंड एक्सेट्रा। सो दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल। एंड सेकेंड सेकेंड मेरिट, वॉट कैन बी द सेकेंड मेरिट? द सेकेंड मेरिट इज वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। हाउ डू थिंक प्राइम मिनिस्टर चूजेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? इट्स नॉट वेरी इजी टू फॉर्म अ टीम विदाउट गिविंग द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द कंट्री। सो बहुत सारे समीकरण बिठाने पड़ते हैं, तब जाकर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम तैयार करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ही लुक्स आफ्टर दी कि हर स्टेट से कोई ना कोई हो। ही हैज़ टू लुक आफ्टर द रिलीजन, कास्ट पॉलिटिक्स, वोट बैंक एक्सेट्रा। बट लेकिन इसके कंपेरिजन में अगर हम यूएस में देखते हैं तो प्रेजिडेंट चूजेज द सेक्रेटरीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज। दे आर द एक्सपर्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट, सो दे आर मेड द सेक्रेटरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ओके, बट इन प्राइम मिनिस्टर, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स, वेयर एक्सपर्टीज इज नॉट द इट्स द फंडामेंटल थिंग विच प्राइम मिनिस्टर टेक इन टू द कंसिडरेशन बाई फॉर्मुलेटिंग द टीम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट ऑल द अदर फैक्टर्स, वेदर इट्स द रीजन, रिलीजन, कास्ट, वोट बैंक एक्सेट्रा, इट हैज़ टू बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन। When it is the case of India, the Prime Minister take all these things into the consideration while formulating the Council of Ministers. Okay, आपने बहुत बार देखा होगा अगर किसी बहुत बड़ी स्टेट में इलेक्शन है भी तो कैबिनेट रिशफल कर दी जाती है ताकि जो बड़े चेहरे हैं उनको जगह दी जा सके कैबिनेट के अंदर, क्योंकि वो इट अफेक्ट्स द वोट, तो वो चुनाव जीतने में मदद करती है सब चीज़ें। आपने देखा होगा यूपी में जब चुनाव हुए थे तो कैबिनेट रिशफल हो गया था। तो द सेकेंड मेरिट इज इट गिव्स द वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नाउ मूविंग अहेड विद द थर्ड पॉइंट, सो वाट कैन यू वाट अदर मेरिट्स यू कैन थिंक ऑफ द दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वाट कैन बी सम अदर मेरिट्स? द अदर मेरिट, गिव मी अ सेकेंड। येस, सो वाट कैन बी दी अदर थिंग यू थिंक कैन बी दी मेरिट्स इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? थर्ड इज इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, दैट इट दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स डेपोटिज्म। वाट डज दिस वर्ड सिग्निफाई? इट सिग्निफाई कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सो PM cannot do anything until President takes relevant actions. Okay, so this prevents the concentration of power in the hand of the Prime Minister. Now, what can be other merit? The other merit is harmonious relationship between executive and legislature. Harmonious relationship. Relationship between executive and legislature.
लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कि एग्जीक्यूटिव्स हैं दे आर बोर्न आउट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है उससे पहले उनका एमपी होना ज़रूरी है। ओके, टू बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फर्स्ट द पर्सन शुड बी द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। सो एग्जीक्यूटिव्स आर बोर्न आउट आउट ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, दे आर डिराइव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। सो देर इज अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था ना, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई इलेक्शन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए होता है। बस दे आर इलेक्टेड एज एन एम पी इन द पार्लियामेंट एंड फ्रॉम देम जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है वो पार्टी जो है अपना प्रधानमंत्री घोषित करती है, अपने एक कैप्टन बनाती है अपनी पार्टी में से। एंड देन ही चूजेस दी हिज टीम, ही चूजेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एम पीज ऑफ हिस पार्टी। सो देर इज अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर। ओके, पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव टॉक्स अबाउट द फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट बिकॉज देर इज अ रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। ये अगर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस देन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। सो द गवर्नमेंट इज अ फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी विल लुक आफ्टर द डिमेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थिंक अबाउट वॉट कैन बी द डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर वन विच वी कैन कोट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। इट इज़ एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, मान लो किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। अभी आके तो ऐसा हुआ है 2014 से कि पूर्ण बहुमति सरकारें बन रही हैं, अदरवाइज उससे पहले आप देखोगे इट वॉज एन ईरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। सो काफ़ी सारी पार्टीज एक साथ इकट्ठी होकर सरकार बनाती थी। सो अगर मंत्रिमंडल में हर पार्टी से जो है मिनिस्टर्स बनाने होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब फॉर्मेशन होती थी, तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू चूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल दीज पार्टीज हु आर इन द कोएलिशन। सो अगर कोई भी ऐसा लॉ की फॉर्मेशन हो रही है, फिर कुछ भी हो रहा है, उसमें अगर इनकी बात नहीं मानी जाती, सो ये क्या कर लेते थे, दे यूज टू ब्रेकअप एंड गवर्नमेंट फॉल्स। सो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट। मूविंग अहेड, वॉट कैन बी अदर डीमेरिट? लैक ऑफ डेफिनेटनेस इन पॉलिसी मेकिंग। लैक ऑफ डेफिनेटनेस इन पॉलिसी मेकिंग। इसका क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेबल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्टेबिलिटी को गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, सरकार नहीं गिरनी चाहिए चाहे कुछ भी रीज़न हो। सो गवर्नेंस बैक सीट लेता है, गवर्नेंस टेक दी बैक सीट, जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है हैम्पर होती है। मैंने आपको बताया जैसे कोलिशन गवर्नमेंट के हीरा में तीन पार्टी ने मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करी, प्राइम मिनिस्टर ने इन सब में से जो है चूज करके सब में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम गठित करी। लेकिन जब लॉज और पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन होती है तो सबकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग विचारधारा होने के कारण अगर किसी की बात नहीं मानी जाती तो दैट पर्टिकुलर पार्टी यूज टू ब्रेक अप एंड गवर्नमेंट विल फॉल। सो सरकार बनी रहे, सरकार ना गिरे, तो प्राइम मिनिस्टर इन दैट केस जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन हैम्पर हो जाती थी। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द लैक ऑफ डेफिनेटनेस इन द पॉलिसी मेकिंग। वॉट कैन बी अदर पॉइंट? द अदर पॉइंट कैन बी दी इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द एमएचओस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द एमएचओस। एमएचओस मीन्स नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जब गठन करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो सभी समीकरण को देखेंगे। जब उस टीम का गठन करेंगे ही विल लुक इन टू ऑल दी अदर फैक्टर्स, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर। देन ही विल मेक द टीम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही विल नॉट चूज द एक्सपर्ट्स, द मिनिस्टर्स आर नॉट द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट दे आर गिवन ऑन दे आर गिवन दोज मिनिस्ट्रीज और दोज पोर्टफोलियोज ऑन देयर पॉलिटिकल माइट।
ओके, सो वी कॉल दिस एज अ गवर्नमेंट ऑफ एमएचओस. व्हाट कैन बी अदर ट्रेनिंग ऑफ कैबिनेट? फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, यू हैव सीन द 400 सीट्स, देन इंदिरा गांधी ऑल्सो केम अप विद द ह्यूज मेजोरिटी. सो एट द टाइम कैबिनेट किसी को कुछ नहीं समझता. ही कैन टेक एनी एक्शन, ही कैन टेक एनी डिसीजन. जैसे अभी आप करेंटली देखोगे इन द एरा ऑफ मोदी गवर्नमेंट, दे कैन टेक मैनी डिसीजन वेरी इजली. उनको जो है किसी का वेट नहीं करना होता. सो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट, दैट इज द ट्रेनी ऑफ द कैबिनेट. नंबर 5 इज एफिशिएंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड. इज कॉम्प्रोमाइज्ड किस वजह से? एफिशिएंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर के लैक की वजह से एफिशिएंस इज गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. जैसे मैंने आपको बताया, वही सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार. एग्जीक्यूटिव्स दे आर बोर्न आउट ऑफ द लेजिस्लेचर, एज दे आर बोर्न आउट ऑफ द लेजिस्लेचर दे वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड देर इज नो प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर. जैसे कि आप यूएस में देखोगे, प्रेसिडेंट के लिए अलग चुनाव होते हैं, ही चूजेस हिज सेक्रेटरीज. वो हर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी चूज करते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने उसी इंसान को चार्ज दिया हु इज़ द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. बट एज वी नो, एग्जीक्यूटिव्स आर बोर्न आउट ऑफ द लेजिस्लेचर. पहले वो एमपीज आते हैं, एमपी चुन के आते हैं, देन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, देन प्राइम मिनिस्टर चूज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर. एंड हमको ये पता ही नहीं होता हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, हु विल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हु विल बी हेडिंग विच पोर्टफोलियो. दिस इज डिसाइडेड लेटर ऑन व्हेन द इलेक्शन हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड. सो ऑल दीज थिंग्स हैम्पर्स द एफिशिएंसी ऑफ द पॉलिसी मेकिंग. इट हैम्पर्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नेंस, सॉरी, इट हैम्पर्स द गवर्नेंस प्रोसीजर. सो दीज ऑल आर द डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच.